जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह। आप देख रहे हैं सागर इलेक्ट्रॉनिक लाइन चैनल। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन का टाइमर है। दोस्तों इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉल्ट है, आपके लिए दिखाता हूँ मैं इसमें क्या दिक्कत थी। दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि ये मशीन स्टार्ट भी होती है और ऑफ भी होती है, मगर दोस्तों ये चलते चलते रुक जाती है। फिर इसके जो टाइमर वाली नॉब होती है, हल्की सी हिलाओ फिर स्टार्ट हो जाती है। यही इसमें प्रॉब्लम थी दोस्तों इस टाइमर में। तो ये मैंने अभी खोल लिया है, फ़िलहाल तो मैं इसे रिपेयर नहीं करूँगा, मगर मैं खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों इसमें कितना कार्बन है, इसी वजह से ये सब हो रहा था। ये इसकी बॉडी है दोस्तों पुराने वाले की, और ये मेरे पास अभी दोस्तों ये टाइमर मुझे मार्केट से मिला है। देखिए दोस्तों ये जो इसका बीच वाला ये जो रोटरी लगी है, ये वाटर ड्रेन की है, पानी निकालने वाली। स्पेस से कनेक्शन आए हुए हैं टैमर से, जो बॉशिंग वाली हमारी सेक्शन है, बॉशिंग वाले सेक्शन से आए हुए हैं। यहाँ से मैंने रिमूव कर लेता हूँ दोस्तों। ये जो दो कनेक्शन हैं, ये इसके इस वाली जगह प्लेस होना है, क्योंकि ये कलर वाइज कलर थे दोस्तों, तो सेम कलर कोडिंग पे लगा दिए हैं मैंने। और इसके साथ साथ दोस्तों एक ये जैक इसमें और है ग्रीन कलर का, इसे भी हम लगाएंगे। देखिए ये ग्रीन कलर मैंने हटाया, और ये टाइमर से देखिए टैपिंग निकल हुई है, ये इसमें कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये हो गया है दोस्तों, ये वाटर ड्रेन के लिए है, और इसे हम माउंट कर देते हैं इसकी जगह पे। बस इसका इतना ही काम था इसमें, और देख सकते हैं ये लग गया है। और ये हमारे हाथ में है टैमर जो बॉशिंग वाले सेक्शन का है। ये तीन तार तो कनेक्ट हो चुके हैं वाटर ड्रेन में। अब इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो वायरें बची हैं, वो मैं आपके लिए दिखा दूंगा कि ये वायरें कहाँ कहाँ जाएंगी और कैसे कैसे कनेक्ट होंगी। सबसे पहले इसे हम माउंट कर देते हैं दोस्तों। ये जो चार तार हमारे पास बची हैं, इसमें ये जो दो तार हैं, ये हमारी बॉशिंग वाली मोटर पे जाएंगी, जो कि कंडेक्सर पे लगते हैं। इसी से मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड चलती है दोस्तों। ये पुराने वाले टैमर की वायरिंग है, ये मैंने बाहर निकाल दी है, क्योंकि टैमर के साथ ही अंदर से लगी हुई वायर आती है। ये देखिए ये दोस्तों एक वायर लगी हुई है, ये जो हमारा लाइन वाला लाइन देना होगी, इसी वायर से देंगे दोस्तों। इसमें जो कपड़े सुखाने वाला सेक्शन है, उसका फेस और टैमर का फेस दोनों आपस में कनेक्ट कर लेंगे। इन दोनों को कॉमन करके इसमें फेस आ जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दोनों मैंने कॉमन कर दिए हैं फेस आने के लिए। साथ ही हमारे पास दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा वायर बचा है, इसे मैं फोल्ड कर देता हूं, क्योंकि दोस्तों इसमें जो वायर एक टैपिंग एक्स्ट्रा निकली हुई है, जो मैं मार्केट से लेके आया हूं, इसीलिए ये एक वायर बच गई है। ये आयर कंपनी की वॉशिंग मशीन है। देखिए इसे माउंट कर देते हैं इसके पैनल को। ये पैनल माउंट हो चुका है, साथ ही इसकी नॉब लगा देते हैं। देखिए दोस्तों ऊपर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब नीचे इसके कनेक्शन पे आते हैं। कनेक्शन देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये येलो कलर का तार और ऑरेंज कलर का तार जो है, ये हमारे मोटर के कंडेक्सर पे जाएंगे बॉशिंग वाली। ये देखिए ये दोनों कनेक्ट मैंने कर दिए हैं। और जो इसका दोस्तों ग्रीन कलर का तार देख रहे होंगे आगे, देखिए ये न्यूट्रल हो गया है इसका ग्रीन कलर का बॉशिंग वाले सेक्शन का। और इधर दोस्तों ये है जो ग्रीन कलर, ये न्यूट्रल हो गया था। और ये दोस्तों मोटर पे आया है कपड़े सुखाने वाली फेस से, जो इसके टैमर से होके आया है ऊपर पैनल से, जो हमने फेस कॉमन करके दिया था। देखिए दोस्तों अब ये कनेक्शन लग चुके हैं, अभी हमने टैप नहीं किया है दोस्तों, अभी हम एक बारी इसे टेस्टिंग करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारी बॉशिंग वाला सेक्शन और इसका टैमर अच्छे से काम कर रहा है। और दोस्तों साथ ही ये हमारी
कपड़े सुखाने वाली मशीन भी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मशीन ने थोड़ा वाइब्रेट किया। अब मैं आपके लिए दिखा देता हूँ और एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो दोबारा पूछ लें। तो देखिए दोस्तों, ये वॉशिंग वाली मोटर के दो तार हैं, जो स्टार्टिंग रनिंग के जो कंडेंसर है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्हें मैं टेप कर रहा हूँ। ये टैमर से दोनों आई हुई तार हैं जो कि कंडेंसर पे हैं। दोस्तों ये मेरे पास 2.5 MFD का कंडेंसर है। ये कंडेंसर दोस्तों मैं जो हमारी कपड़े सुखाने वाली मोटर है उसके पैरलर में लगा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जो इसका कंडेंसर है ये थोड़ा लूज हो गया है। तो इस कारण से दोस्तों ये मतलब इसकी जो मोटर है वो बहुत ही हल्की चल रही है और स्पीड नहीं आ रही है, तो इसलिए दोस्तों मैंने पैरलर में लगा दिया है। और दोस्तों ये मैं टेप कर रहा हूँ इसे, ये हमारा कम्प्लीट ही टेप हो चुका है। अब कंडेंसर को कंडेंसर की जगह पे माउंट कर दिया है मैंने, और सारी वायरिंग में दोस्तों टाई बैंड यूज करेंगे। टाई बैंड से अच्छे से सेट कर देंगे, जिससे कि कोई हमारी वायर इधर उधर मतलब ना जाए, कहीं मोटर की बेल्ट उल्ट में या फिर मोटर में ना फंसे। तो इसलिए दोस्तों इस बात का खासा ध्यान रखें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके आंसर देने का पूरी पूरी कोशिश करूँगा कमेंट का। ये दोस्तों फाइनली हम पेंच लगा रहे हैं, ये पेंच लग चुके हैं दोस्तों। अब इसकी फाइनली ये हम बंद कर चुके हैं पूरी मशीन, और इसे एक बारी टेस्टिंग करेंगे कि हमारी मशीन अच्छे से काम कर रही है नहीं, जो हमने टाइमर लगाया है। देखिए ये अच्छे तरीके से काम कर रही है दोस्तों, देखिए हमारा टाइमर देख सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही साथ अब हम जो हमारी कपड़े सुखाने वाला सेक्शन है इसे भी चेक कर लेते हैं कि ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों ये स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up.